आज उनके पार्लियामेंट में ऐसी बात हुई कि भैया मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी भी चौंक गए कि यार ये क्या कर दिया कनाडा वालों ने। Days after the Canadian Parliament observed 1 minute silence on the death anniversary of India's designated Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. Canada में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने संसद में खड़े होकर खालिस्तान समर्थकों की जमकर धज्जियां उड़ाई। June 23rd is the National Day of Remembrance for Victims of Terrorism. 9 years back on this day, Air India flight 182 was blown up midday from a bomb planted by Canadian Khalistani extremists. India is kabul ho gaya, usne apne aap ko is kabul kar diya ki Canada jaise itne developed country ko usne jawab de diya. Bharat ke andar is time pe Modi sahab ko bola jata hai ki sahab Modi ji aap action lo, hum tumhare saath khade, maro. Aur aapko pata hai ki 85 mein jab Kanishk ki bombing hui, jo Air India ki flight thi jo Canada ja rahi thi, और जब वो जो है एकदम उड़ गया प्लेन, तो उसमें 280 कैनेडियंस की जान गई। अगर कल कोई देश यमन बोले या पाकिस्तान बोले कि हम एक मिनट का मौन रखना चाहते हैं क्योंकि ओसामा बिन लादेन मारा गया था आज के दिन। अनफॉर्चुनेटली मेनी कैनेडियंस आर नॉट अवेयर दैट इवन टुडे द आइडियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टेररिस्ट अटैक इज स्टिल अलाइव अमंग फ्यू पीपल इन कैनेडा। जब इन्होंने ये एक मिनट का मौन रखा है तो उस वक्त जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहां पे उसने ट्वीट करा है, बोला है कि हम भी जो कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 329 लोग मारे गए थे जिसमें कई बच्चे भी थे, जब इन्होंने ये एक मिनट का मौन रखा है तो उस वक्त जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहां पे उसने ट्वीट करा है, बोला है कि हम भी जो कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 329 लोग मारे गए थे जिसमें कई उसमें बच्चे भी थे वो मारे गए थे, हम चाहते हैं कि जो भी इंडियन डायस्पोरा है वो वहां पर आए और वहां पर अपनी रिस्पेक्ट्स पे करे। दोस्तों, कनिष्का की ट्रेजेडी के बारे में आपको पता है जिसमें 300 से ज्यादा लोग उनकी जाने चली गई, उसमें बच्चे भी थे, बेचारे बच्चे भी चले गए। हम कहते हैं खालिस्तानी टेररिज्म। खालिस्तान है कहां आखिर? ऐसा कोई खालिस्तान तो है नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तान। द अटैकर्स वर नॉट खालिस्तानीज, दे वर कैनेडियंस। तो जब भी हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, जब भी हम ऐसी बातें करें, वी शुड बी वेरी क्लियर। Canada allows its citizens to attack the assets and citizens of other countries. And then Canada protects those people who do the attacking. Justin Trudeau is a lapdog of the Americans. आप पूरे कनाडा को समझिए, फिर आप जस्टिन ट्रूडो को समझिए। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं है क्या। अमेरिका बोलता है भौंक तो ये भौंकता है, अमेरिका बोले काट तो ये काटता है। ना इसके खुद के दांत, ना इसकी खुद की जबान, ना इसका खुद का गला। ऐसे कुत्ते को बोलते हैं शू, जस्टिन ट्रूडो को बोला शू तो ये पार्लियामेंट में भौंकने लगा। मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूं? आप बोलेंगे यार ये तो लफ्ज बड़े सख्त है मेजर साहब, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए आपको ऐसा बोलना चाहिए? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जस्टिन ट्रूडो है तो वी कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। अभी तक इसने प्रूफ नहीं दिया कि निज्जर को भारत ने मारा था। हम बड़ी टफ लाइन लेंगे। तुम क्या टफ लाइन लोगे यार? एक बात बताओ, तुम्हारे पास है क्या कैनेडा? और जो लोग भी इस गलत फहमी में है, जो भी सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं, जिनकी गलत फहमी है भारत के दुश्मन है, जिनको एक गलत फहमी है कि कनाडा कुछ कर लेगा, क्या कर लेगा कनाडा यार? क्या कर तुम्हें क्या लगता है जैसे तुमने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी थी तुम भारत भेजोगे? ये हो नहीं सकता। क्या तुम्हारे पास भारत से बड़ी डिप्लोमेटिक एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है? यह भी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास भारत से ज्यादा पैसे हैं? यह भी नहीं है। तो जब बेटा कुछ नहीं है तो व्हाई वेस्टिंग एनीबॉडीज टाइम एंड एवरीबॉडीज टाइम। कनाडा और भारत के बीच में एक टसल चल रही है, और सबसे बड़ी बात जो कई लोगों ने कही पाकिस्तान में भी और भारत से भी, जो मेरे दोस्तों से बात होती है, वो ये कि किसी कहना चाहिए कोई सेनेटर या कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे कनाडा के इस किस्म के एलिगेशंस लगा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या घबराहट किया है कनाडा में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कह दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि कनाडा के तरफ से खालिस्तानी आतंकवादियों को जो है शह मिल रही है। आपको आरजू जी याद होगा, क्योंकि आप भी हिस्ट्री जानती हैं, आप पत्रकारिता में कई समय से हैं, और आपको पता है कि 85 में जब कनिष्क की बॉम्बिंग हुई, जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो
कनाडा जा रही थी और जब वो जो है एकदम उड़ गया प्लेन, तो उसमें 280 कैनेडियंस की जान गई और इसके अलावा हिंदुस्तानी लोग भी थे, अमेरिकन भी थे, बाकी नेशनैलिटीज भी थी। लेकिन इतने साल बीतने पर भी कनाडा जो है ये रियलाइज नहीं कर पाया ये एक्सट्रीमिज्म जो उनके बैकयार्ड में बार बार ग्रो कर रहा है उसके खिलाफ उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जब इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थी या बाकी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बार बार कनाडा के साथ डोजियर शेयर किए, एविडेंसेस दी कि आप जो बब्बर खालसा है या बाकी आतंकवादी संगठन है इनको शह मत दीजिए, इनको आप पॉलिटिकल अजाइलम मत दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए तो पहले प्रॉब्लम कर चुके हैं लेकिन हम तो इनसे निपट लेंगे, लेकिन ये आपके लिए तबाही मचा लेंगे। और वही तबाही आजकल कनाडा की सड़कों पर दिख रही है। तो मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो का जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत ही गलत है, ये एक एस्केलेशन है डिप्लोमेटिक तौर पर, क्योंकि इससे पहले अगर इनके पास कोई एविडेंस होती तो इनको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के सामने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सामने ये रखना चाहिए था एट डिफरेंट लेवल्स। इंडिया और कनाडा के बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहे हैं, बट उसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, पार्लियामेंट में सामने बोला कि जो एजेंट्स ऑफ इंडिया हैं उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं कि उन्होंने ये किया है, हरदीप सिंह निज्जर जो है खालिस्तानी आतंकवादी उसको मारा है। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं फिर से आरजू जी कि हरदीप सिंह निज्जर कोई सेंट नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, हरदीप सिंह निज्जर गुरु नानक नहीं है जो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो एक्टिविस्ट था, वो बिल्कुल खून खराबी में विश्वास नहीं रखता था, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया के पास कई ऐसे सबूत हैं, हरदीप सिंह निज्जर के वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं जिसमें वो AK-47 पाकिस्तान में तो दिख ही रहा है बहुत सारे बाकी खालिस्तानियों के साथ, वो ब्रिटिश कोलंबिया में भी AK-47 लेके घूम रहा है और आर्म्स ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को ओपनली। और पिछले 6 से 7 साल से इंडिया बार बार उनको कहता रहा कैनेडियंस को कि इस पे एक्शन लो, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा और कोई उनको कोई मजबूरी भी नहीं है कोई एक्शन लेने की, क्योंकि अब सिखों की पॉपुलेशन वहां इतनी ज्यादा हो गई है और उनको इतना रेडिकलाइज किया गया है कि जस्टिन ट्रूडो के खुद हाथ बंधे हुए हैं, जो NDP जगमीत सिंह उनके पार्टनर हैं वो उनको कुछ करने नहीं दे रहे। और जैसा आपको पता होगा क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, हिलरी क्लिंटन ने आज से 10 साल से पहले कहा था कि इफ यू नर्चर एंड इफ यू डोंट टेक एनी एक्शन ऑन स्नेक्स ऑन योर बैकयार्ड देन द सेम स्नेक्स विल बाइट यू। कनाडा खालिस्तानियों को एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने नहीं वाला।